यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नालागढ़ के बद्दी में भाजपा कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की है। बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया, साथ ही बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा भी की गई। बैठक में हिमाचल के 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करके संसदीय बोर्ड को भी भेजा जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी पूरे देश में 405 का लक्ष्य लेकर चल रही है, वहीं हिमाचल की भी 4 सीटों पर उन्हें विजयी होने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2014 में भी बीजेपी ने प्रदेश की 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार भी चारों सीटों पर जीत दर्ज करके केंद्र में मोदी की सरकार बनने वाली है। बद्दी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की गई और बैठक में केंद्र में मोदी की सरकार बनाने की बात कही गई है। बैठक में लोकसभा की 4 सीटों पर चर्चा की गई। लक्ष्य बहुत साफ है, 4 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार भी 4 कमल के फूल खिला के यहाँ से दिल्ली भेजे थे हम, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए दिल्ली भेजना और प्रधान सेवक की कुर्सी पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी बैठे यह काम करना। मैंने कहा विकास, 5 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए हिमाचल प्रदेश की सरकार की जनता के लिए काम, और पिछले 1.25 साल में जयराम ठाकुर जी की सरकार के द्वारा तो हिमाचल की जनता की सेवा में काम किए गए हैं, वो काम होंगे, वो विकास के मुद्दे होंगे और इस देश की सुरक्षा और एकता होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जगत फोन लाइन पर मौजूद हैं। जगत, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है, इस बैठक की अपडेट क्या है? जी, बताना चाहता हूँ, 2 दिवसीय बैठक कोर कमेटी भाजपा की बद्दी में रखी गई है। बद्दी के बोर्ड में ये बैठक 6 बजे करीबन शुरू हुई थी, जिसमें प्रदेश के जितने भी भाजपा के दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जैसे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पर बैठक में मौजूद है, शांता कुमार बैठक में रूम है, सांसद अनुराग ठाकुर, प्रोफेसर प्रेम कौर धूमर, पूर्व CM, मतलब तकरीबन जितने भी भाजपा के सीनियर जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी अहम ये बैठक कोर कमेटी की मानी जा रही है, क्योंकि एक तो जैसे ही लोकसभा चुनावों का अभी अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद ही भाजपा अलर्ट होकर यहाँ पर बैठकों का दौर उन्होंने शुरू कर दिया। 2 दिवसीय बैठक है, आज 6 बजे ये बैठक शुरू की गई है, मतलब करीबन 11 बजे तक रात को ये बैठक चलेगी और कल भी इसी तरह सुबह 9-9:30 बजे के आसपास बैठक शुरू हो जाएगी और ये बैठक 1 बजे तक चलेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बद्दी में एक बहुत बड़ी विधान जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों को संबोधन के दौरान बातचीत में बताएंगे कि किस तरह की इनकी रणनीति रही है, क्या क्या किया। आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये कोर कमेटी की बैठक की जा रही है, इसमें आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर एक तो रणनीति तैयार की जाएगी, दूसरा बताया ये भी जा रहा है कि जो जितने भी 4 सीटें हैं यहाँ पर कांग्रेस चारों सीटों को लेकर उम्मीदवार कौन कौन उतारने वाली है भाजपा, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि जो 4 उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर तय किए जाने हैं उनको केंद्र संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा ताकि आने वाले चुनावों में जीत हासिल करे। हालांकि दावा यहाँ के जो भाजपा नेता है, मुख्यमंत्री भी अभी थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने दावा किया है कि चारों की चारों सीटों पर वो लक्ष्य लेकर ये चल रहे हैं कि केंद्र में 405 का लक्ष्य लिया हुआ है भाजपा ने और यहाँ पर चार जो सीटें हैं उनका लक्ष्य लेकर यहाँ पर भाजपा चल रही है और ये दावा भी कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में एक बार फिर चारों की चारों सीटें जीतकर केंद्र में मोदी सरकार दोबारा से रिपीट होगी। जी जी, क्या जो उम्मीदवार संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होनी है, क्या कुछ इस पर जिक्र किया गया है कि कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं? जी, फिलहाल इस बारे में तो मीडिया से दूरी बनाई हुई है, मीडिया को नहीं बताया गया कि कौन कौन भाजपा इस बार, हालांकि देखना होगा कि जिस तरह से अगर शिमला संसदीय क्षेत्र की सीट की बात की जाए तो सांसद वीरेंद्र कश्यप पर कई तरह के आरोप यहां पर लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इसी तरह
जो हमीरपुर विधानसभा का क्षेत्र है वहां से सांसद अनुराग ठाकुर पर भी आरोप लगे थे, उसके बाद उनको क्लियरेंस मिल गई थी कोर्ट की ओर से। अब देखना यही होगा कि क्या उन्हीं उम्मीदवारों जो सांसद हैं उन्हीं को टिकट दोबारा मिलती है या कोई अन्य नए चेहरे यहाँ पर आते हैं, जैसे कि भाजपा का देखने में आया है कि पिछली बार जो भी यहाँ पर सरकार मोदी सरकार द्वारा अपने जयराम द्वारा भी ये कहा जाता है कि आने वाले चुनावों में जो भी उम्मीदवार सरकार उतारेगी वो युवा होगा। अब ये देखना होगा कि किन चार युवा नेताओं पर ये सांसद अपने हाथ, जो भाजपा है प्रदेश भाजपा है उनका नाम यहाँ पर आता है, कौन वो नेता है जिनको आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा हिमाचल में उतारने वाली है, ये देखना होगा। कल तक शायद कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा क्योंकि बैठक अभी चल रही है, 11 बजे तक बैठक चलेगी, उसके बाद सुबह शुरू होकर 1 बजे तक ये बैठक चलेगी, बैठक के बाद ही भाजपा के जो नेता है बता पाएंगे किन किन नामों का ऐलान यहाँ पर किया गया है, किन किन नाम यहाँ पर तय किए गए और किन नामों को केंद्र संसदीय बोर्ड को भेजा जाना, ये अभी देखना बाकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जगत तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें ये बैठक की जा रही है और इस बैठक में सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं, चारों सीटों के उम्मीदवारों का नाम भी तय किया जाएगा, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। इस बैठक के दौरान नामों को उसके बाद संसदीय बोर्ड के पास भी भेजा जाएगा। बद्दी में बीजेपी कोर कमेटी की इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है, बैठक में सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं।